वेलकम टू माई किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाल चटनी की रेसिपी, जो अक्सर पकोड़े, चाट, पापड़ी इन चीजों के साथ खाई जाती है, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। तीखी रहती है बट टेस्टी लगती है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लें। लाल चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 20 से 25 कली लहसुन की, स्वादानुसार नमक, 4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश लाल मिर्ची है तो आप 15 से 17 लाल मिर्ची ले लीजिए पाउडर की जगह, ताजा लाल मिर्ची है तो। 2 चम्मच हम लेंगे यहाँ नींबू का रस, लाल मिर्ची का आधा, 4 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 2 चम्मच नींबू का रस। मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियां, साथ में डाल देंगे हम इसमें लाल मिर्ची का पाउडर, नींबू का रस। टेस्ट के अनुसार डालेंगे हम नमक, थोड़ा डालेंगे हम पानी। ये हमें थोड़ी सी पतली चटनी चाहिए, लाल चटनी थोड़ी सी पतली रहती है ये। पानी हम जरूरत के अनुसार डालेंगे, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल महीन पीसना है। ये देखिए लाल चटनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। इसे थोड़ा पतला बनाना है, ये देखिए मैंने यहाँ पानी डाल के पतला कर लिया है। पानी आप जरूरत के अनुसार डाल लें, जितनी पतली करनी है आपको। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।